ग्वालियर का किसान सिंचाई विभाग की व्यवस्था की दोहरी मार झेल रहा है। पहले कनाल का पानी रोक दिया जाता है और अब किसानों को पैसे वसूली के नोटिस दिए जा रहे हैं। देखिए खबर। दिया तले अंधेरा, ग्वालियर के किसानों पर कैनाल के पानी को लेकर पड़ रही दोहरी मार। जी हाँ, समय ने ढूंढ निकाले वो पहलू जो प्रशासन के प्रशासनिक रवैये की पोल खोलते हैं। ग्वालियर के ककेटो और परसरी कनाल से जुड़ा ये इलाका देखकर लगता है कि मानो आप मरुस्थल में आ गए हों। जमीन पर बरसों से पानी की बूंद न पड़ी हो, नहर में पानी नहीं और आसपास की सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर बन गई है। साल भर पहले कनाल में पानी रोक दिया गया और किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। पानी तो अब साल भर, मान ले एक साल हो गई। खेती कैसे कर रहे हो? खेती बंजर पड़ी है, खेती कहाँ है? कोई अनाज वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो सरकार में से कोई मदद वगैरह मिली? कुछ मदद नहीं है। कोई मदद नहीं। एक तरफ किसान त्राही त्राही कर रहा है, वहीं आंख बंद किए बैठा सिंचाई विभाग उन्हें सिंचाई के पैसे की वसूली के नोटिस भेज रहा है, यानी किसान पर दोहरी मार। खेती में कोई अनाज नहीं है, नोट सारे हैं आपासी की, तो आपासी कहाँ से भरे साहब, कोई सुनता है नहीं है। जब पानी नहीं मिला तो फिर नोटिस क्यों आ रहे हैं? नोटिस भेज रहे हैं साहब। ककेटो और परसरी बांध में पानी की कमी नहीं, डैमेज कनालों से पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा। किसानों ने शिकायतें भी की लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अब तक अनजान बैठे हैं। मैं इसको जल संसाधन विभाग से ना, मतलब इसके बारे में फिर पूछी जाएगा, मतलब ना क्या मामला है, क्या प्रकरण है। वैसे ये प्रकरण ना मेरा नॉलेज में नहीं है, WRD से ना मांगी है। एक तरफ किसान भूखों मर रहा है, सिंचाई का पानी नहीं, वहीं प्रशासन जिले में हमारा जल हमारा जीवन वर्कशॉप लगा रहा है, जहां लोगों को जल संवर्धन की सीख दी जा रही है, जबकि खुद की कनालें फूटी पड़ी हैं। मैडम, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ यहाँ पे अखबारों छपवाने के लिए, फोटो के लिए। यदि मौके पे आप देखेंगे तो 70%, मतलब ये तो ना कुछ है, ग्वालियर की पेयजल का 70% पानी अभी भी वेस्टर्न नदियों में है। क्या किसानों को पूरा भरपूर पानी मिल रहा है? नहीं मैडम। हालांकि सिंचाई विभाग इसको सिरे से नकार रहा है, उनके मुताबिक चंबल कैनाल से भरपूर पानी दिया जा रहा है, सिंचाई एरिया भी बढ़ा है। पूरे चंबल सिस्टम में 80,000 हेक्टेयर में इरिगेशन होता था, आज की तारीख में इस साल अभी हमने 3,15,000 हेक्टेयर में इरिगेशन किया है। क्योंकि हमारी पहले जो कैनाल की कैपेसिटी थी और उसका रखरखाव था वो प्रॉपर नहीं था, पर MPWSRP में इस कार्य को हम लोगों ने टेकअप किया है और अब हम विंड के बिल्कुल टेल एंड तक पानी भेज पाए हैं। जाहिर है ये आंकड़े और कागजी जवाब हैं, हकीकत जमीन पर नजर आ रही है। ग्वालियर और आसपास के किसानों को चंबल नहर हो या हरसी नहर, किसी से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। नसक मारे और रोने ना दे, कुछ इसी तरह का व्यवहार शिवराज सरकार ग्वालियर के किसानों के साथ कर रही है। पहले तो साल भर कैनाल के पानी से वंचित कर किसानों को 2 जून की रोटी के लिए तरसा दिया, फिर उसी पानी पर कर लगाकर किसानों के जख्मों पर नमक का काम कर रही है। समय के लिए ग्वालियर से अनुपमा सिंह।